चाय भारत की जान है, बच्चे हो या बूढ़े सभी इसके दीवाने। चाय खेत से फैक्ट्री, फैक्ट्री से अपने घर तक कैसे पहुंचती है, आज का डिटेल वीडियो इसी पर। सर्वप्रथम वर्करों द्वारा इस तरीके से पत्तों को काटा जाता है या बीना जाता है, फिर इन पत्तों को गाड़ी की सहायता से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। मिट्टी, धूल, कंकड़ आदि इनको अलग किया जाता है, फिर इन पत्तों की छंटाई की जाती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला टॉप ग्रीन टी और उसके बाद अलग अलग पत्तों को अलग अलग लेबलिंग की जाती है। मशीन में डाला जाता है और इस पत्तों को ग्राइंड किया जाता है। फिर एक के बाद एक इन मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और पत्तों की सहायता से आगे इस प्रोसेस को चलाया जाता है। अंततः फाइनल प्रोडक्ट वो एक बड़ी मशीन के अंदर आता है। इन मशीन के अंदर अलग अलग सांचों से गुजरते हुए फाइनली चाय बनकर इस गोनी में इकट्ठी होती है, जहाँ से वर्करों की सहायता से इस छलनी में डाला जाता है और फाइनल प्रोडक्ट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज छन के अलग अलग हो जाता है। जैसे सबसे बड़े वाला दाना और उसके बाद मीडियम, उसके बाद सबसे छोटे दाना, इस तरीके से 5 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। अलग अलग ग्रेड की चाय अलग अलग पैकिंग की जाती है, जैसे ग्रीन टी है, हर्बल टी है और अलग अलग प्राइजिंग के अनुसार बेची जाती है। इसी प्रकार यहाँ लेबलिंग करके आगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने घर तक पहुँचती है। तो दोस्तों, ये था चाय बुनने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि खेत से आपके घर तक चाय कैसे पहुँचती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।